दो काम वालों की कहानी। एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके पास एक खेत था। खेत के पास में एक कुआं था। खेत की देखभाली करने के लिए सोमैया, कुएं से पानी निकालने के लिए रामैया नाम के दो नौकर उसके पास काम करते थे। वो रामैया को 2,500 और सोमैया को भी 2,500 रुपए एक महीने के लिए देता था। सोमैया खेत में मेहनत करके उसकी देखभाल करता था और रामैया कुएं से पानी निकालकर खेत में डालता था। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग जमींदार के पास आए और उन दोनों की शिकायत करने लगे कि सोमैया वक्त पर खेत की देखभाल नहीं करता है और रामैया खेत में जरूरत से ज्यादा ही पानी डाल रहा है। ये सुनकर अगले ही दिन जमींदार खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही अचानक बारिश शुरू हो गई। तब वो पास में एक छोटे से घर में चला गया। उसे वहाँ सोमैया दिखाई दिया। तब जमींदार ने उससे कहा, सोमैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब सोमैया ने जवाब दिया, सेठ जी बारिश हो रही है तो खेत में कौन आएगा, ये सोचकर मैं इस घर में बारिश से बचने के लिए आ गया। जमींदार पूछने लगा, अच्छा तो रामैया कहाँ है? तब सोमैया ने कहा, वो बहुत अजीब है, इतनी बारिश में भी अपना काम कर रहा है। वो देखना चाहता था कि रामैया क्या कर रहा है, इसीलिए वो खेत की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने देखा कि रामैया खेत को पानी दे रहा है। वो सोचने लगा कि उन दोनों में सच में कोई परेशानी है। अगले दिन उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा कि सोमैया, जो भी इंसान किसी चीज की देखभाल करता है उसे मौसम से कुछ लेना देना नहीं होता, वो हर बार उस चीज के पास होता है। और रामैया, पानी देने वालों को कब पानी देना है ये पता होना चाहिए। कल इतनी तेज बारिश हो रही थी और तुम कल खेत में पानी डाल रहे थे। तुम दोनों में मैंने एक चीज देखी है कि तुम अगर सोमैया का काम करोगे और सोमैया अगर तुम्हारा काम करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कल से तुम ऐसे ही काम करना। अगले दिन से जैसे उनके मालिक ने कहा उन दोनों ने वैसे ही किया। उनकी मेहनत से उस साल फसल बहुत अच्छी हुई और जमींदार को आमदनी भी अच्छी होने के कारण उसने उन दोनों की तनख्वाह बढ़ा डाली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए तो लाभ भी अच्छा होगा। धर्म का फैसला। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का एक वृद्ध था। वह बहुत ही अच्छा था, किसी की भी मुश्किल में सबकी मदद करता था। ऐसे ही उस गांव में किसी भी लड़ाई का हल निकालता था। सबका विश्वास था कि उनके फैसलों में न्याय और धर्म एक समान रहते थे। ऐसे आसपास के गांवों में धर्म का अच्छा नाम था। एक बार बाजू वाले गांव से दो आदमी एक झगड़ा करते हुए धर्म के पास आए। वे दोनों में एक प्रमुख व्यापारी और दूसरा गरीब किसान था। उन्होंने धर्म को समस्या का विवरण किया। धर्म जी, हमारे पूर्विकों की कीमती हीरा मेरे पास है। ये व्यापार के लिए विदेश जाता हुआ मेरे हीरे को मांग के ले गया। लौट के आने पर हीरा मांगा तो वापस नहीं दे रहा है, बोलकर किसान ने शिकायत की। इसका जवाब क्या देगा करके दूसरे आदमी की तरफ देखा धर्म। तब व्यापारी ने अपने हाथ की लकड़ी को पकड़कर थोड़ा आगे आकर हाथ जोड़कर कहा, किसान ने सही कहा, इसके पास के हीरे के जैसे दूसरा खरीदने के लिए विदेश के व्यापारों को दिखाने उस हीरे को ले जाने वाली बात सच है। फिर मेरे घर पहुंचते ही उसे बुलाकर उस हीरे को वापस कर दिया। किसान लालच से मेरे पास के एक हीरे को हड़पने की चाल चल रहा है। देने का या लेने के समय का कोई साक्षी नहीं। ये पूरा मामला हम दोनों के बीच का था। इससे धर्म सोच में पड़ गया। उन दोनों को उस रात वही गांव में रहने को कहा और फिर सुबह ही उसके पास आने को बुलाया।
किसान और व्यापारी दोनों धर्म के कहने पर उधरी रात बिताए। आधी रात को धर्म चुपके आकर दोनों को बहुत ही देर देखा, पर दोनों में से किसी एक के भी व्यवहार से शक नहीं आया। ऊपर से जैसे दोनों सच ही बोल रहे हो करके आराम से सो गए। इतनी समस्याओं का हल निकालने वाला धर्म समझ गया था कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं। बोलने के मुताबिक ही सुबह अपने पक्ष में फैसला होगा करके किसान व्यापारी दोनों धर्म के पास आए। देखो, तुम्हारे लेन देन के साक्षी भगवान ही है। तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ, भगवान के ऊपर प्रमाण करके सच बोलो। धर्म ने आदेश दिया। धर्म जी, मैं भगवान को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ, इसने मेरे हीरे को वापस नहीं दिया। व्यापारी फिर से अपनी लकड़ी को किसान के हाथ में रख कर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को हाथ ऊपर उठाता हुआ प्रार्थना करते हुए कहा, उस भगवान को साक्षी मानकर मैं भी सच बोल रहा हूँ, किसान को मैंने हीरे वापस दे दिए थे। व्यापारी के व्यवहार देख धर्म को शक हुई। व्यापारी किसान के हाथ से लकड़ी लेने जा रहा था। रुको, उस लकड़ी को मत लो, उसे इधर दो करके उस लकड़ी को लेकर धर्म ने ध्यान से उसकी जांच पड़ताल की। कुछ देर बाद पूरी बात समझ आ गई। तुरंत उसे पास के पत्थर पर मारा। लकड़ी के टूटने पर उसमें से किसान व्यापारी को दिया हुआ हीरा बाहर निकला। अचानक घटी हुई इस घटना से व्यापारी के मुंह से शब्द नहीं निकले। अब ना कुछ कर पाता हुआ अपनी गलती को मान लिया। किसान को हीरा वापस देने के साथ साथ धर्म का फैसला करने पर 5000 सिक्के भी देकर नुकसान की भरपाई करवाई। देखा, लालच से किसान को धोखा देने वाले व्यापारी को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की नीति है कि लालच ही दुख का कारण है। दोस्त को सलाह। एक गांव में शिवा नाम का एक किसान रहा करता था। उसे उसके पिता की विरासत में एक खेत और दो गाय मिले थे। शिवा बहुत आलसी था। वो अपने खेत में जो चाहता वो उगा लेता था, पर वो अपने खेत की देखभाल नहीं करता था। दूध देने वाले गायों का भी वो कुछ ख्याल नहीं करता। घर की जरूरतों का भी उसे कुछ ख्याल नहीं रहता था। उसके इसी व्यवहार की वजह से उसके घर का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। उसकी पत्नी उसका इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। वो कब सुधरेगा यही सोचती रहती थी। एक दिन उसका एक दोस्त मोहन उसके घर आया। जब उसके दोस्त ने उसका घर देखा तो वो परेशान हो गया। वो शिवा को सलाह देना चाहता था कि वो सुधर जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दोस्त, तुम्हारे घर की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा एक उपाय है। शिवा की खामोशी देखकर उसकी पत्नी ने जवाब दिया, भाई साहब, आपके पास हमारे कष्ट दूर करने का उपाय है ना? आप उसे बताइए, ये सुन रहे हैं। हर रोज सुबह सुबह हमारे गांव में एक सोने की चिड़िया आती है, पर किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। एक बार अगर कोई उसके दर्शन कर लेगा तो कभी उस पर कोई कष्ट नहीं आएगा। मैंने ऐसा सुना है। अगर तुम कल सुबह जाकर उस सोने की चिड़िया को देख लो तो शायद तुम्हारे भी कष्ट दूर हो जाएंगे। शिवा बहुत आलसी था, इसीलिए उसे ये उपाय ठीक लगा। आखिर इसमें कोई मेहनत भी तो नहीं थी। सिर्फ एक चिड़िया देखने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते। अगले दिन सुबह सुबह उठकर शिवा चिड़िया देखने निकल गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बहुत धनवान आदमी दिखाई दिया। वो भी इतनी सुबह उठकर अपने व्यापार की तैयारी कर रहा था। ये देखकर शिवा को शर्म आ गई, क्योंकि वो तो कभी सुबह उठता ही नहीं था। फिर वो उस चिड़िया की तलाश में आगे निकल गया। चलते चलते वो अपने खेत में पहुंच गया। उसके खेत के पास ही उसके मित्र राम का भी एक खेत था। राम सारी रात खेत में बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था, ताकि कोई भी पक्षी उसके खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वो चिड़िया की तलाश में आगे निकल गया।
और उसने बहुत सारे लोगों को देखा जो सुबह सुबह उठकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसे अपने सुबह जल्दी ना उठने की आदत पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उस दिन से उसने अपने सारे काम समय पर किए और उसे बहुत फायदा हुआ। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और इसके गायों ने भी बहुत ज्यादा दूध दिया। जब वो सुबह सुबह उठकर मन लगाकर काम करने लगा तो उसे सिर्फ पैसा ही नहीं, इज्जत भी मिली। उसे मोहन की बताई चिड़िया तो नहीं मिली, पर उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तब से वो और उसकी पत्नी एक सुखी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुबह जल्दी उठने से सब काम अच्छे होते हैं।